हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ की नारियल की बर्फ़ी। तो हमने ये 1 किलो तिल लिए, तिल अच्छे से साफ़ कर लिए, और हमने नारियल को क्या करा है, हमने नारियल कद्दूकस कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है इस तरीके से। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे गुड़, और गुड़ को हमने क्या करा है, कूट लिया है, इसको गुड़ को बारीक कर लिया बिल्कुल इस तरीके से। अब हम आए की तैयारी करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमने मोटी वाली ली है जो काफ़ी मोटा तला होता है इसका। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, घी डाल के कढ़ाई के अंदर इस तरीके से फैलाएंगे चारों तरफ। अब इसमें हम तिल डालेंगे, तिल डाल के हमने तिल को भूनना है अच्छे से। तिल को बिल्कुल चलाते रहना है, छोड़ना नहीं तिल को, क्योंकि तिल फिर जल्दी से जल जाती है, तो हमको चलाते रहना है तिल को इस तरीके से। अब तिल हमारे भुन गए हैं, ज़्यादा नहीं भुनने, नहीं तो काले हो जाएंगे। भाई इतने रखने हैं, पास ला के दिखाती हूँ, बस इतने ब्राउन करने हमने, हल्के हल्के से गुलाबी सा कलर हो जाए, पर इतने रखने। अब इसी के अंदर हम नारियल ऐड कर देंगे, नारियल कभी हम भूल लेंगे इस साथ ही, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा भूनना है। अब जो तिल नारियल हमने भून लिया है, इसको किसी चीज़ में खाली कर लेंगे। अब गुड़ भी हमने कढ़ाई में डाल लिया है, अब गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। अब गुड़ हमारा मेल्ट हुआ है, इस तरीके से गुड़ रखना है हमने। अब इसमें हम तिल मिलाएंगे, तिल और नारियल है, ये थोड़ा करके पहले आधा डाल लेंगे, मिलाएंगे इस तरीके से। फिर डालेंगे, सारा डाल लेंगे क्योंकि अभी गुड़ गर्म है, तो फटाफट से मिल जाएगा इस तरीके से। अब गुड़ के अंदर तिल और नारियल अच्छे से मिला लिया है, अब इसको जमाने के लिए हम एक परात में निकालेंगे। हमने परात में थोड़ा सा घी लगा लिया है, इसमें हम निकालेंगे बर्फ़ी जमाने के लिए, तो गरम गरम ही हमें जमानी पड़ेगी, नहीं तो गुड़ फिर से जम जाएगा। तरीके से निकाल लेते हैं, ये मैंने बड़ी परात ले रखी है। अब इस तरीके से हम जमा देंगे, फिर हम बर्फी की कटिंग करेंगे मिठाई की, कि काफी गर्म है तो हाथ से तो कर नहीं सकते, तो इस तरीके से एक चम्मच लेके बड़ा सा इस तरीके से। अभी इस तरीके से हमने ये जमा दिया है, बाद में इसकी मिठाई काटेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अभी बिल्कुल अच्छे जम गया है, अब इसमें कट मार लेंगे, अब मिठाई हमने काट ली है। अभी इस तरीके से चाकू की मदद से
ऐसे पीस निकाल लेंगे। अभी हमारी तिल गुड़ और नारियल की बर्फी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और दोस्तों का शेयर ज़रूर करें। आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।